जय हिंद दोस्तों, आज हम एक नया प्रोडक्ट लेकर आए हैं, हिमालयन ऑर्गेनिक्स का होल फूड मल्टीविटामिन फॉर मैन। बेसिकली अभी मल्टीविटामिन्स की बहुत डिमांड है और मैं ये चेक कर रहा था कि इतनी डिमांड हो रही है, हर कोई केमिस्ट के दुकान में जाके जिंक, विटामिन सी और बाकी के विटामिन मिनरल्स मांग रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक ये भी मल्टीविटामिन्स होते हैं जो उन विटामिन्स मल्टीविटामिन से थोड़े से महंगे होते हैं, थोड़े क्या थोड़े 10 गुना महंगे ही होते हैं। क्यों होते हैं आज ये देखते हैं। देखिए, बेसिकली जो आपको मल्टीविटामिन्स केमिस्ट की दुकान में मिलते हैं वो सिंथेटिक फॉर्म होती हैं और उसमें जो एब्जॉर्प्शन रेट होता है, मतलब उसमें 20 या 30% ही होता है। और ये जो मल्टीविटामिन है ये बेसिकली फूड बेस्ड मल्टीविटामिन्स है, मतलब जो हम ये पत्तेदार सब्जियां होती हैं, ग्रास होती हैं, लीव्स होती हैं, उनमें से एक्सट्रैक्ट करके इनको बनाया जाता है। तो ये जो मल्टीविटामिन है ये 60 कैप्सूल्स का मल्टीविटामिन है, वेजिटेरियन कैप्सूल्स हैं, और इसकी जो MRP थी वो 795 है, लेकिन ये थोड़ा कम का मिला था, ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो, फ्लक्चुएट होते रहते हैं। इसको लेने का दो तरीका है, 2 कैप्सूल्स रेगुलरली, और अब देखते हैं इसमें क्या क्या मल्टीविटामिन्स इन्होंने दिए गए हैं। इसमें आपको विटामिन ए बी कॉम्प्लेक्स के सारे विटामिन्स मिलेंगे जो 100% है, जो RDA के डेली परसेंटेज रिक्वायरमेंट रहती है, 2 कैप्सूल्स की सर्विंग है। विटामिन सी भी है, ई के कैल्शियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सेलेनियम, जिंक और आयरन, सोडियम, ये सब इसमें पहले से इंक्लूड है। ठीक है, तो अभी इसमें इंग्रेडिएंट्स जो हमें मेन चीज़ देखनी है कि इंग्रेडिएंट्स किस चीज़ से इसको एक्सट्रैक्ट करके बनाया गया है। तो इसमें जो ब्लेंड है, मतलब किसका ब्लेंड है, वीट ग्रास, बार्ली ग्रास हो गया, स्पिरुलिना हो गया, क्लोरेला हो गया, मोरिंगा लीव्स हो गई, स्पिनिच हो गई, बेसिल्स लीव्स हो गई, मिंट लीव्स हैं, शतावरी है, अश्वगंधा है, टर्मरिक है, बीट रूट है, ग्रीन जिंजर है, ब्लैक पेपर जो एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, फ्लैक्स सीड्स हैं, और भी इसमें दो तीन चीज़ें हैं, माका रूट है, ग्लो है इम्यूनिटी के लिए। तो ये इन और भी दो तीन इंग्रेडिएंट्स हैं, इनके ब्लेंड से इसको तैयार किया गया है। और इनके ब्लेंड जब ये तैयार करते हैं तो वो चेक करते हैं कि एक कैप्सूल में कितनी चीज़ें आ रही हैं। तो बेसिकली इतनी ये सारी चीज़ें आ रही हैं, जो भी आपको मल्टीविटामिन मिल रहे हैं, विटामिन्स मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं, वो एकदम प्योर फॉर्म मिल रही है आपको। ठीक है, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट की, वीगन है, सबसे अच्छी बात है, और सिंथेटिक नहीं है। और अब इसे खोल के देखते हैं। ये बेसिकली मैंने पहले खोल दिया था, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसकी भी एक सील भी आई थी, इसमें आप वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा महंगा प्रोडक्ट है, तो वेरिफिकेशन के लिए आप चेक कर सकते हैं। ये कुछ इसकी कैप्सूल्स होती हैं, मेरे ख्याल से 650 mg की कैप्सूल्स होंगी है। तो ये कैप्सूल्स हैं और बहुत ही इसमें प्यारी खुशबू इसमें आ रही है क्योंकि पूरे ग्रास के एक्सट्रैक्ट हैं इसमें, तो नेचुरल चीज़ तो अलग ही पता चल जाती है। बाकी मल्टीविटामिन आप खाते हो वो सिंथेटिक खुद हैं, उसके ऊपर से उसमें कोटिंग कर रखी है, सिंथेटिक कलर कर रखे हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, ये एकदम नेचुरल फॉर्म है और एब्जॉर्प्शन इसकी रेट ज़्यादा होगा बजाय सिंथेटिक वालों के। तो अभी मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि जो अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो 500 रुपये, क्योंकि ये मान के चलो 500 रुपये का भी पड़ता है, तो 60 कैप्सूल्स हैं, 2 कैप्सूल्स आप रोज़ ले रहे हो तो 1 महीने आपका ये कोर्स चल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि 500 रुपये अभी कोविड के टाइम पे आपको ज़्यादा महंगे लगने चाहिए। बाकी अगर आपका बजट नहीं है तो मैं अभी सिंथेटिक जो मल्टीविटामिन्स होती हैं कैसी बेस्ट हैं और उनको किस कॉम्बिनेशन में लेना चाहिए वो भी हम देखेंगे, ताकि जैसे मैंने बहुत सा अभी देखा था, लोग विटामिन सी की बहुत गोलियां ले रहे हैं, लिम सी ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, लेकिन विटामिन सी आपको क्या लगता है, 500 mg की आप विटामिन सी ले रहे हो, 500 mg मतलब होता है पता नहीं कितने, 1 किलो संतरे या उससे भी ज़्यादा आपको खाने पड़ते हैं तब जाके 500 mg मिलता है। आपको क्या लग रहा है, एक टैबलेट आप चूसोगे लिम सी की और पूरा 500 mg मिल जाएगा, कहीं नहीं मिलता, क्योंकि विटामिन सी को एब्जॉर्ब होने के लिए बायोफ्लेनॉइड चाहिए होते हैं, भगवान ने हर फल में जो विटामिन सी देते हैं तो उसके साथ उसके कुछ दोस्त होते हैं जो उसको एब्जॉर्ब करवाने में मदद करते हैं। जो विटामिन सी आप खा रहे हो वो सिर्फ एक एस्क्रॉबिक एसिड होता है और कुछ भी नहीं, उसमें से 10 या 20% ही एब्जॉर्ब होता है, वो बाकी सारा बॉडी बाहर फेंक देती है। तो आप, मैं बताऊंगा कॉम्बिनेशन या ऐसी कोई विटामिन मिनरल जो थोड़े सस्ते हों और कॉम्बिनेशन के साथ आते हों। अगर आप ये नहीं लेना चाहते और भी नेचुरल जाना चाहते हैं तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप एक संतरा हो गया या एक अमरूद हो गया, आप ये चीज़ें खाइए विटामिन सी वाली, अमरूद में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है,
आपका आम है, आम में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये होल फूड मल्टी विटामिन है तो हिमालयन ऑर्गेनिक्स का। तो ये मेरा एक रिव्यू था। कोई भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछना, और कोई प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए होगा तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो मैं उसका रिव्यू कर दूंगा। थोड़ा सस्ता प्रोडक्ट ही डालना, तो मैं उसको अच्छे से आपको समझा दूंगा उसका रिव्यू। जय हिंद।